मतलब हम किसको कॉपी करें, किसकी डायलेक्ट सीखें, और कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं। आप प्लीज़ ये गलत मत समझिएगा, ये कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं है। बट एक्सेंट जिस तरह और जिस आसानी से और जिस लय के साथ मायावती अपना यूपी का एक्सेंट बोलती हैं, वही मायावती जी के हमने एक दो वीडियोस देखे थे और उस तरह बोलने की कोशिश की। फीमेल गफ्फर सिंह, हलक में हाथ डाल के खींच लूंगी अपना पैसा। मुन्नी एकदम डाइन है। जब किस्मत में लिखे हो थोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकौड़े। चुप। मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है ओम शास्त्री। वो बिजनेसमैन है अमेरिका में, इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिका में रहते हैं 15 साल से। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था जब तक रिसेशन की मार उनको पड़ी, और उस मार में ही गॉट बैंकरप्ट। तो उन्हें लगा कि हिंदुस्तान में एक प्रॉपर्टी जो है उनकी, उसको बेच के कुछ पैसा कमा लेंगे। तो यहाँ हिंदुस्तान में आए तो और ही किसी चक्कर में फंस गए। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि आपका ऑफिशियली किडनैप कर लिया हमने। कम से कम 50 करोड़ का आसामी है तेरा ओम शास्त्री। अरे काहे का करोड़पति यार, 2.5 करोड़ में डन करते। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। डेढ़। मेरे पास पैसे होते तो मैं इंडिया क्यों आता? 50 लाख सब कुछ ले लिया मेरा रिसेप्शन ने। अरे हटाना इसको। पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन एक आइडिया मेरे पास, बताओ जी। अगर मेरे को ये कहा गया था कि इफ देयर इज वन थिंग दैट यू वांट टू टॉक टू ओबामा अबाउट, आई वांट टू टॉक टू हिम अबाउट रिसेशन, आई वांट टू टेक हिम आउट ऑन अ डेट एंड शो हिम माय फिल्म फॉर श्योर। वेल, एक्सपीरियंस काफ़ी अद्भुत था, बिकॉज एक एक्टर होने के नाते यू नो कई बार जिंदगी में मौके मिलते हैं कि आप हर एक किस्म का रोल कर लें। एंड फॉर मी, आफ्टर बींग अ पार्ट ऑफ एक्शन रीप्ले एंड देन बींग अ पार्ट ऑफ फंस गया रे ओबामा, मैं अपने आप से ही काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि मैंने ये कैसे कर लिया। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले एंड शो ऑल ऑफ यू दैट द वर्क आई हैव डन प्लेइंग मुन्नी मैडम।